नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सभी सदस्यों का वंदन और अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में आपके साथ मैं हूं रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, थाने में खड़े एक लकड़ी लोड ट्रैक्टर ट्राली की है, लकड़ी की, और मौके पर बाग में पड़ी लकड़ी की तस्वीर है, जो कि आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ सरकार करोड़ों रुपया हरियाली को हरा भरा देखना चाहती है और लोगों के जीवन की सुरक्षा की बात करती है और जगह जगह पर पेड़ लगवाती है, उसी के अनुरूप विपरीत दिशा में लकड़कट्टों का, लकड़ी माफियाओं का दिन और रात हरे भरे पेड़ों की हरियाली को नष्ट किया जा रहा है और विभाग की आँखों में धूल झोंक कर परमिट से अधिक पेड़ काटने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर विभाग के आला अधिकारियों की तारीफ करनी होगी कि वो भी सजगता से, अपनी गहनता से कार्यशैली पर साजिंदा दिख रहे हैं जिम्मेदारियों के प्रति, और सूचना पर तत्काल पहुंचकर मौके पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। लगातार दो जगहों पर ठेकेदारों पर वन विभाग का चाबुक चला। बता दें कि गत दिनों थाना थान गांव इलाके में बलौता में एक अवैध तरीके से 14 पेड़ों का परमिट बनवाकर करीब 16 पेड़ अधिक काट लिए लकड़कट्टे माफिया, और वहीं पर कुल 30 पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी सूचना पाकर वन विभाग के आला अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की और ठेकेदारों पर जुर्माना बोला 64,000 रुपये का। मामला बलौता के गांव का है जहां पर साजिद ठेकेदार ने इस बाग को कटवाया था। वहीं पर दूसरी तरफ स्थानीय कस्बा रेउसा में बहरई चोट अब्दुल मदरसा अब्दुल कलाम के पास में करीब परमिट से अधिक पेड़, 6 आम के और 3 जामुन का काट लेने का मामला प्रकाश में आया, जहां पर आप देख सकते हैं विभाग के आला अधिकारी सूचना पर तत्काल मौके पर लकड़ी पकड़ी और ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है, और वहीं पर पेड़ मालिक समेत ठेकेदारों पर, लकड़ी माफियाओं पर केस दर्ज कराया गया है। बता दें जब आला विभागीय आला अधिकारियों से बात की गई इबावस, तो उन्होंने बताया कि स्थानीय कस्बा रेउसा के विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि स्थानीय कस्बा रेउसा के ठेकेदार विजय मिश्र व वाजिद पुत्र मैकू के द्वारा 6 आम के और 3 जामुन के अवैध तरीके से बिना परमिट के पेड़ काटे गए थे, जिनको मौके पर पकड़कर लकड़ी थाने के सुपुर्द और ट्रैक्टर कर दिया गया है, और वहीं पर पेड़ मालिक समेत 3 लोगों पर लकड़ी माफियाओं सहित केस दर्ज किया गया है। ये वही तस्वीर है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एक तरफ लकड़ी माफिया अपनी